Remember, viewers, the political battleground is heating up ahead of the 2024 Lok Sabha elections. The Congress, of course, putting forth its Nyay pitch with Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra. It has resumed from Golgada today itself. Following the resumption of this, party leader Jairam Ramesh has confirmed that Rahul Gandhi is scheduled to visit the Kashi Vishwanath Temple in Varanasi, and thereafter he will hold a roadshow and address a public rally as well. Let's in fact listen in to his remarks. पंद्रह जनवरी को मणिपुर में हुआ था. आज हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी वाराणसी पहुंचे हैं. 9:15 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकलेंगे राहुल जी. 10 बजे को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे. करीब आधा घंटा 20-25 मिनट वहां रुकेंगे. उसके बाद फिर से पब्लिक रैली होगा, एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इस बीच यहाँ के बुनकरों, यहाँ के गांधीवादी संस्थाओं और यहाँ के बीएचयू के छात्रों के साथ उनकी मुलाकात होगी. और 2:30 बजे हम भदोही की ओर चलेंगे और आज रात को हम भदोही में रुकेंगे. My colleague Akash Yadav is joining us with more details. Akash, Rahul Gandhi is in Varanasi today. Varanasi, of course, is Prime Minister Modi's constituency. High octane developments taking place. His Bharat Jodo Nyay Yatra is in fact moving through Varanasi. He will visit Kashi Vishwanath Temple and will also hold a road show. What other details can you give our viewers? देखिए, राहुल गांधी अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने वाले हैं. कुछ ही देर में दर्शन कर लेंगे. उसके बाद कोदौलिया चौराहे पे आएंगे, जहां एक चुनावी संगलास भी कह सकते हैं और लोगों का सम्मतन भी कह सकते हैं. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनका चुनावी संगलास होने जा रहा है. जो कार्यकर्ता है वो कोदौलिया चौराहे पे खड़े हैं और बड़ा जोश है उनके मन में कि राहुल गांधी को एक तक देख ले, उनसे मिल ले और उनका संबोधन सुन ले. तो लोकसभा चुनाव से पहले काशी से पूर्वांचल को साधने की ये कांग्रेस की पूरी तैयारी है. देखना दिलचस्प होगा कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब समाप्त हो जाएगी तो चुनाव के दौरान क्या असर पड़ता है, क्या बेनिफिट होता है, ये देखना दिलचस्प होगा. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.